नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की आज की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि कोरोना पुनः रफ्तार पकड़ रहा है, तो आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी चिंतक लोकबंधु राज नारायण की 36वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान पर चर्चा की गई। लोकबंधु राज नारायण की पुण्यतिथि पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी पर अपने विचार रखते हुए जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकबंधु राज नारायण समाजवादी नेता थे, हमेशा आम आदमी के हित की बात करते थे। आज सभी समाजवादी साथी ये संकल्प लेते हैं कि हमेशा लोकबंधु राज नारायण के हुए मार्ग पर चलेंगे और हमेशा समाजवाद का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। अलीबाबा एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा अपने को एक्टर शिजान खान संग रिलेशनशिप में थी, इसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप से दुखी तुनिशा ने सुसाइड करके खुद की जिंदगी खत्म कर ली। इस बारे में बात करते हुए सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, आपस में प्यार था उनका, शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारा समाज अभी इतना लिबरल नहीं है कि दो मजहब के लोग आपस में शादी कर लें। लेकिन जो भी था, इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे पहले दिन से लग रहा था कि ये मामला लव जिहाद पर आकर रुक जाएगा, पर क्यों हर चीज को लव जिहाद के आईने से देखना होता है। आगे वो कहते हैं, अगर लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव था तो उन्होंने मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया, क्यों शिकायत नहीं दर्ज करवाई। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई कर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनकी समस्याओं के उचित गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विश्व प्रसिद्ध पीतल नगरी नए साल 2023 में नई चमक बिखेरेगी। देश के 100 स्मार्ट शहरों में शामिल मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन लिमिटेड की 1168 करोड़ रुपए की लागत की 36 में से 18 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी हैं। 632 करोड़ रुपए की लागत से चल रही बाकी 18 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जून तक मूर्त रूप ले लेंगी, जिससे पीतल नगरी पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान कायम करेगी। भोजपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नदीम पुत्र मोहम्मद अली उम्र 30 वर्ष निवासी मोहल्ला जामा मस्जिद कस्बा भोजपुर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल ने बताया, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी का भोजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल कराया गया, जिसके बाद न्यायालय पेश किया गया। बाद में आरोपी को जेल भेज दिया गया। मुरादाबाद में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने 20 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। त्योहारों पर शांति व्यवस्था के मद्देनजर डीएम ने धारा 144 लागू की है। इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन और जुलूस पर रोक रहेगी। 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा क्षेत्र अधिकारी के साथ उप निरीक्षक पद से निरीक्षक पद पर पदोन्नत होने वाले पुलिस कर्मियों को स्टार लगाकर बधाई व शुभकामनाएं दी गईं तथा सभी से उनके कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निर्वहन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अगवानपुर में सिगरेट की चिंगारी से कमरे में आग लग गई। आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर कमरे में सो रहे 30 वर्षीय मुकीम को बाहर निकालकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सौजन का कहना है कि सिगरेट की चिंगारी से कमरे में आग लग गई थी। धुआं उठने के बाद दम घुटने से युवक की मृत्यु हो गई। आज मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा एवं एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में पीलीकोटी चौराहे से लेकर स्टेशन रोड तक मॉक ड्रिल किया गया। इस मामले में काफी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ वर्ष 2022 को अलविदा करने और नए साल के स्वागत की तैयारी में शहर के लोग उत्साह से लबरेज हैं। शहर के विभिन्न होटलों से लेकर पॉश कॉलोनियों में नए साल के स्वागत का जश्न मनाने की तैयारियां की गई हैं। कहीं देसी बैंड पर थिरकने की तैयारी है तो कहीं सूफियाना महफिल में लोगों को झूमने पर मजबूर करने की। वहीं बैले डांस शहर के लोगों का आकर्षण बनेगा। लोग अपने अपने तरीके से जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं।